मुजफ्फरपुर के बाल गृह में यौन शोषण का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। सदन से लेके संसद तक विपक्ष इस मामले को जोर शोर से उठा रहा है और अब शरद यादव भी मुजफ्फरपुर यानी कि ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए हैं, जहां पर वह आरोपियों के बारे में, इस मामले से जुड़े अन्य लोगों के बारे में कई सारी बातों का खुलासा कर रहे हैं और सरकार पर भी आरोप लगा रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं शरद यादव, सुनिए। प्रोटेक्शन के लिए है, इस तरह के कितने फर्जी भारत सरकार की तरफ से ऐड दिए जाते हैं और राज्य सरकार की तरफ से भी ऐड किए जाते हैं, इसकी जांच होना चाहिए। ये अखबार कहीं नहीं निकलता है, सिर्फ सरकारी दफ्तरों में जाने का पहुँचता है। इसकी जांच होना चाहिए, कितना पैसा इससे कमा रहा है। यानी मैं देखा कि इसका पहले से हाउस यानी जो बच्चियों के परवरिश और उनके प्रोटेक्शन के लिए जो संस्था अपने मकान में रखी हुई है, तो सबसे बड़ा गुनाह ये को अपने मकान में रखी हुई है और एक तरह से या शरीर का सौदा बैठ करके अपने बाजू में रह रहा है। और ये अखबार भी यहाँ जितने तरह के ये दो नंबर के काम करने वाले, उनमें बहुत से लोगों ने ये दो नंबर के अखबार भी निकाल के रखे हैं। मुजफ्फरपुर में लड़कियों के साथ हुई बर्बरता के मामले को विपक्ष भुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। हालांकि सीएम ने भी अब सीबीआई जांच के निर्देश दे दिए हैं।